दोस्तों इंडिया में कोरोना वैक्सीन बनके तैयार हैं और जो इंडियन कंपनीज इनको बना रही है उनके द्वारा बनाई गई ये वैक्सीन्स अपने ट्रायल फेज में है, कुछ तो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम जनवरी से इनको लगाना भी शुरू कर देंगे, जो हमारे देश में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टेज बाय स्टेज इसको हम लगाना शुरू करेंगे। जैसे इनिशियली सीनियर सिटीजन को लगाएंगे, फिर उसके बाद जो 60 साल से कम एज के लोगों को हैं वो लगाएंगे। इसके बारे में एक बाकायदा एक गाइडलाइन आ चुकी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा विवादित मुद्दा भी छिड़ गया है कि भाई ये जो वैक्सीन है ये हलाल है या हराम है। ये एक इस्लाम धर्म में एक बोली जाने वाली बातें हैं कि भाई वो हलाल मानते हैं, वो हराम नहीं मानते हैं। तो मैं ब्रजेश वर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो ये मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जो कोरोना वैक्सीन इंडिया में आ रही है ये हलाल है या हराम है, इस्लाम को जो फॉलो करते हैं वो इस वैक्सीन को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते उनके धर्म के अनुसार। तो अभी तक जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों अभी रिसेंटली जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की कोरोना वैक्सीन के बारे में और इसकी डोज के बारे में कैसे कैसे लगेगी। इसी बीच एक बड़ा विवादित मुद्दा आया और जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके बीच एक बहस छिड़ गई कि भाई साहब ये जो वैक्सीन है इंडिया में ये सुअर के मांस से बनाई गई है। अब सुअर इस्लाम में पहले से ही प्रतिबंधित है, इस्लाम में सुअर को बोला तक नहीं जाता है और वो लोग इसको अवॉइड भी करते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि अगर इस वैक्सीन में सुअर का मांस यूज़ किया गया है या किसी एलिमेंट को यूज़ किया गया है सुअर के, तो भाई ये हराम है, हलाल नहीं है। मतलब उनके धर्म में ये चीज़ वाजिब नहीं है। वहीं पे कुछ जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है कि कुरान में साफ साफ लिखा हुआ, अल्लाह ने ये बोला है कि अगर कोई हराम चीज़ से आप किसी की जान बचाते हैं, किसी की मदद करते हैं और उसकी ज़िंदगी को बचाते हैं, तो वो चीज़ कुरान में अलाउड है, अल्लाह ने उसको अलाउ कर रखा है, उसकी परमिशन दे रखी है। हालांकि ये जो एलिगेशन लगे वैक्सीन पे, तो इसके हमारी एक कंपनी बायोटेक जो इंडियन कंपनी है उसने इस पे जवाब भी दिया, जो वहाँ पे रिसर्च को देख रहे हैं और रिसर्च में लगे हुए लोग हैं उनमें से एक एक्सपर्ट आदमी ने बताया कि भाई साहब जो हमारी वैक्सीन है इंडिया में, जो भी वैक्सीन है उसमें किसी भी जानवर की एंटीबॉडी को यूज़ नहीं किया गया। तो ऐसी कोई वैक्सीन इंडिया में नहीं है, यहाँ पे सारी नॉर्मल वैक्सीन से किसी भी जानवर के एलिमेंट को या उसके एंटीबॉडी को यूज़ नहीं किया गया। तो पहले तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इंडिया में जो भी वैक्सीन है इसमें किसी भी एनिमल का एंटीबॉडी यूज़ किया गया है, सुअर तो दूर की बात है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। हालांकि कई लोग इसमें इस्लाम धर्म से लोग ऊपर उठ के आए, उन्होंने इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म गुरु जो इस्लाम धर्म को अच्छे से मानते हैं, जानते हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि अगर चलो मान लेते हैं इसमें किसी एनिमल की एंटीबॉडी यूज़ की गई है, अगर वो हराम है तब भी कुरान में बोला गया है कि भाई अगर आपको किसी की जान बचानी है तो आप हराम चीज़ को यूज़ करके उसकी जान बचाइए और वो अल्लाह उसके लिए आपको माफ़ करेगा, उसके लिए आपको परमिशन है। मेरा इसमें ये कहना है दोस्तों, पहले आपकी जान जरूरी है, पहले लोगों की जान जरूरी है। हलाल हराम चलता रहेगा, आप अपने धर्म को फॉलो करिए। जब आपके धर्म ने ही अलाउ कर दिया है कि भाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो आप इसको यूज़ करिए, आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़िए। साइंस बहुत आगे निकल गई है और धर्म को भी फॉलो करिए, आपके धर्म ने अलाउ किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप धर्म को बाईपास कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो बायोटेक की वैक्सीन आ रही है या और भी कंपनियों की जो वैक्सीन आ रही है उसमें किसी भी एनिमल का एंटीबॉडी यूज़ नहीं किया गया है, जो अभी तक इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो यहाँ पे रिसर्च में इन्वॉल्व लोग हैं उन्होंने जो बताया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत ही सेफ होंगी आपके लिए। बाकी तो ट्रायल में पता चल ही जाएगा, फाइनल स्टेज के जो ट्रायल रिपोर्ट्स आएंगी उससे पता चल ही जाएगा कि वैक्सीन कितनी कारगर है और कितनी सेफ है। बाकी इसमें किसी भी एनिमल का एंटीबॉडी यूज़ नहीं किया गया। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कि इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या वैक्सीन के बारे में या हलाल और हराम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।